आज हम बनाएंगे धनिया पत्ता का पाउडर। इसको एक साल तक स्टोर करके पाउडर को रख सकते हैं। सबसे पहले धनिया पत्ता को अच्छी तरह से धो लेंगे। इसके लिए एक पतीला लिए हैं, इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। दूसरे पतीला में भी पानी ले लिए हैं। रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से साफ कर लेना है। क्योंकि धनिया पत्ता मेरा अपना गार्डन का है, इसलिए ये ज्यादा गंदा नहीं है। कर लेंगे, इसमें निकालेंगे, इसको फैला के। आप चाहे तो धूप में भी 2-3 दिन तक रखेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं तो पंखे के नीचे भी 2-3 दिन तक सूखने के लिए रखेंगे तो फिर हो जाएगा। धो लिए हैं, अब इसको धूप में 2-3 दिन तक रखेंगे। 2-3 दिन हो गया है, धनिया पत्ता मेरा सूख गया है। अब इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, अगर चाहे तो चाल के रख सकते हैं, या मिक्सी में थोड़ा सा इसको चला सकते हैं, या शीशा के जार में इसे रख दीजिए, सालों भर चलेगा, खराब नहीं होता है। छलनी से भी चाल सकते हैं इस तरह से। इसको डाल लेंगे पाउडर बना के। पाउडर मेरा बन के तैयार हो गया है। इसे जार में रख के इसको स्टोर कर लेंगे। बन के तैयार हो गया है धनिया पत्ता का पाउडर। इसे एक जार में भर लेंगे और एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं।